नॉर्मली अगर हम आंसर लिखने की फॉर्मेट के बारे में बात करें कि आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ लोग और भी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, जुड़ने दीजिए इन्हें भी पहले। हाँ देखो, अगर हम आंसर लिखने के फॉर्मेट के बारे में बात करें ना कि आंसर कैसे लिखेंगे, यथार्थवाद वाला जो क्वेश्चन है, तो वहां पे क्या हो जाता है, यथार्थवाद वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ हंस मोगेनथाउ देंगे कि किस तरह से, क्या हंस मोगेनथाउ के प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम हंस मोगेनथाउ के बारे में पढ़ते क्यों है ये बताएंगे सबसे पहले। वहां पे हमने ये बता दिया, हंस मोगेनथाउ के बारे में बता दिया, पहला चीज क्लियर हो गया। उसके बाद हमें दूसरे स्टेप पे पढ़ेंगे, वहां पे सबसे पहले अभी यथार्थवाद को बताएंगे, यथार्थवाद को हम डिफाइन करेंगे कि यथार्थवाद होता क्या है और हंस मोगेनथाउ ने यथार्थवाद की विचारधारा में क्या बोला, ठीक है, हंस मोगेनथाउ ने यथार्थवाद की विचारधारा में क्या बोला, इसके बारे में हम बात करेंगे। यार प्लीज एक बार ना वापस से एक अपने अपने माइक म्यूट कर ले, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो नॉइस है यहाँ तक आ रही है, फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियर नहीं हो पाएगा आपको, ठीक है, तो एक बार माइक न्यू म्यूट कर ले अपना अपना, समझ में आया। पहले तो हमें यथार्थवाद बारे, हंस मोगेनथाउ के बारे में बताया कि भाई हंस मोगेनथाउ की आइडियोलॉजी है, दोबारा में हमने यथार्थवाद के बारे में बताया, 4 से 5 लाइन लिखा कि यथार्थवाद ये होता है। उसके बाद में हम बताएंगे कि यथार्थवाद के 6 प्रिंसिपल्स हैं, आप चाहो तो अपने हिसाब से बुक के जो 3 से 4 पॉइंट बताओ या फिर 6 महीने जो बताए वो डिफाइन करो, आपके ऊपर है। हर एक प्रिंसिपल्स का छोटा छोटा एक एक लाइन में आप लिखोगे, ब्लैक लाइन ब्लैक ब्लैक पेन से अंडरलाइन करो उसको, भी डिफाइन कर दो कि वो है क्या, और अगर आप सारे प्रिंसिपल को डिफाइन करते हो तो ऑलमोस्ट आपका 5 से 6 पेज बहुत अच्छे से भर जाना है, ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने ट्राई हेलो किया है खुद भी लिखकर, अच्छा खासा भर जाएगा अगर मान लो हेलो इसको। हाँ जी यस, आप कुछ बोल, कोई कुछ बोल, कुछ पूछना है क्या किसी को? हेलो, चलिए देखिए यहाँ पे समझ में आता है किस तरह से हम करना है। पहले तो हमें नॉर्मली यथार्थवाद के, हंस मोगेनथाउ के बारे में बताया, फिर यथार्थवाद के बारे में बताया, फिर जो मैंने 6 आइडियोलॉजी बताया, 6 जो थ्योरी बताई उसको बारे में डिफाइन कर दिया, ठीक है, डिफाइन करेंगे तो वहां पे खत्म हो जाएगा। और अगर मान लो आप अपने वो 6 थ्योरी जो मैंने बताया उसको नहीं बताना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हो, बुक के अंदर में जो 2 से 3 पॉइंट है उसको थोड़े लॉन्ग में लिखकर आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फिर भी ये 6 पॉइंट्स को अगर यूज करते हो तो बेनिफिट ये रहेगा कि आपके पॉइंट्स में आंसर रहेंगे तो नंबर मिलने में आसानी रहता है, पर अगर जो बुक वाले पॉइंट्स हैं उसको, उसमें से आपको पॉइंट छांटने पड़ेंगे, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और यहाँ पे पहले से छटे हुए मिल रहे हैं, ठीक है, आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको किस तरह से फॉलो करते हो, किस तरह से करते हो। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी यस बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मुझे मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रहा किसी को, ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ किसका मैसेज है। अनम्यूट करोगे ब्रदर, आप जो वीवो 1951 है वो अनम्यूट करो, ठीक है, फिर आपको मेरी आवाज आएगी और आप मुझे सुन पाओगे, ठीक है, अनम्यूट करो अपने आप को पहले, अपना वॉल्यूम तेज करोगे तब सुनाई देगा, नहीं तो ऐसे सुनाई नहीं देगा। देखो फिर यहाँ पे यथार्थवाद का नॉर्मली यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, आपको सबसे पहले हंस मोगेनथाउ के बारे में बताओ, यथार्थवाद के बारे में बताओ, उसके 6 प्रिंसिपल से वो उसको डिफाइन करो, हर एक प्रिंसिपल को 4 4 5 5 लाइन में आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, इतना मुझे उम्मीद है, अगर एक बार ट्राई करोगे तो, ठीक है, इसकी जो मैंने जहाँ से प्रिंसिपल्स उठाए हैं, कैसे कहाँ से मैंने समझाया है, इसकी PDF में, ये वीडियो कॉलिंग खत्म होने के बाद में ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, जिससे आपको स्टडी करने में आसानी होगा, ठीक है, आप समझ पाओगे कि कैसे कैसे करके आप बना सकते हो, ठीक है, अच्छा खासा आप कॉन्सेप्ट में लिख सकते हो उसके आंसर, ठीक है, समझ में आता है। अगले विचारक की ओर चले, अगले आइडियोलॉजी को पढ़े, चलो अगले आइडियोलॉजी की बात करते हैं। अगला आइडियोलॉजी आता है आपका नव यथार्थवाद के बारे में, ठीक है, नव यथार्थवाद के बारे में बात करते हैं, न्यू रियलिज्म के बारे में बात करते हैं। अब नव यथार्थवाद है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं, यथार्थवाद की विचारधारा आई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, सुनाई दे रहा है ना सबको मेरी बात? यार रुको, एक किसी का मैसेज आ रहा है, पहले मैं उसको रिप्लाई दे दूं। देखो नव यथार्थवाद के बारे में बात करते हैं, नव यथार्थ
वाद होता क्या, सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसको समझते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत समझ में आता है कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी इसके कारण से हमने खरीदा, अगर मान लो मैं लैपटॉप खरीद के लाया या फोन आप खरीद के लाए, तो आपको जरूरत होगी उसके हिसाब से खरीद के लाए ना, तो आपको सबसे पहले जरूरत समझना चाहिए कि किसी भी चीज की जरूरत क्या है। आपने बीए में एडमिशन लिया, आपने बुक खरीदा, तो कुछ आपको जरूरत होगी उसकी, इसके कारण से आपने लिया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद की अब हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी नव यथार्थवाद की? तो नव यथार्थवाद की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब यथार्थवाद वाली जो विचारधारा थी वो पुरानी हो चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में ही जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो लोगों को लगा कि यार कोई विचारधारा नहीं है, किसी के पास कोई गाइडलाइन नहीं है, ठीक है, जिसके कारण से युद्ध हुआ। ठीक है, मैंने बताया था अभी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, क्योंकि किसी के पास विचारधारा नहीं थी, किसी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, किसी के पास कोई इंटरनेशनल रिलेशनशिप का कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशनशिप तय करना चाहिए। ठीक है, जिसके कारण से ये युद्ध होता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर हो जाता है, जब यथार्थवाद की विचारधारा भी आ गई, सबके पास यथार्थवाद जैसा विचारधारा आ गया, फिर भी युद्ध हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके कारण से अब यहाँ पे आ जाता है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया मतलब यथार्थवाद की जो विचारधारा है वो फेल हो गई। ठीक है, यहाँ पे यथार्थवाद की जो विचारधारा क्या है वो फेल हो गई, ये माना गया। अब सपोज करो आप किसी चीज को खरीद के लाते हो ये सोचकर कि अगर इसको लेकर आया हूँ तो ये चीज अच्छा होगा, पर अगर वो अच्छा नहीं हो रहा तो उसका मतलब क्या, वो चीज बेकार है। ठीक है, तो सेम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब यथार्थवाद की विचारधारा को लाया गया तो मेन रीजन क्या था कि अब कभी भी युद्ध नहीं हुआ। पर कुछ समय बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वहां पे लोगों को लगा कि यथार्थवाद की जो विचारधारा है उसको अब जरूरत नहीं है, सभी कुछ ऐसी चलेगा अच्छा चलेगा, उसको छोड़ दो। और खत्म करने की मेन रीजन क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका एक पावर के रूप में उभरा, सिंगल पावर के रूप में। ठीक है, तो सिंगल पावर के रूप में उभरा, बाकी जो कंट्रीज थी वो खत्म हो चुकी थी, सोवियत संघ जो उसका ओपोनेंट था वो खत्म हो चुका था, उसका विघटन हो चुका था, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो चुका था टोटली। तो उसके कारण से सिर्फ सिंगल पावर बचा हुआ था, तो सिंगल पावर के कंडीशन में वहां पे कोई बैलेंस पावर की हम बात नहीं करते। ठीक है, वहां पे शक्ति संतुलन या फिर न्याय और उसके बारे में बात नहीं करते, राष्ट्रहित के बारे में बात नहीं करते, तो वहां पे यथार्थवाद का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। पर उसके बाद क्या होता है कि जब सिंगल पावर के रूप में अमेरिका तो उभरा, पर उसके साथ साथ कई सारी ऐसी कंट्रियां उभरी जो अमेरिका को चैलेंज कर रही थी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल के तौर पे आता है चीन, जो अमेरिका को खुली तौर पे चुनौती देता है। ठीक है, खुली तौर पे चुनौती देता है किसी भी तरह से, चाहे आप उसके सुरक्षा परिषद की बात करो चाहे कहीं और बात करो, वहां पे वो अमेरिका को चैलेंज करता है। ठीक है, वहां पे वो अमेरिका को चुनौती देता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बीच में यहाँ पे जो चल रहा था चीजें, तो यहाँ पे नव यथार्थवाद की विचारधारा आती है। ठीक है, नव यथार्थवाद की जो विचारक है कैथन वोल्ट को माना जाता है। ठीक है, कैथन वोल्ट नव यथार्थवाद के विचारक के तौर पर देखे जाते हैं। अब कैथन वोल्ट्स की बात करो तो कैथन वोल्ट्स मतलब नॉर्मली एक राजनीति के न्यू अमेरिका के रहने वाले हैं। न्यूयॉर्क में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी अपना एजुकेशन पूरा कंप्लीट किया। ठीक है, और वो एक सोल्जर रह चुके थे। ठीक है, वो एक युद्ध सैनिक थे और अमेरिका के दो सिविल वो मतलब जो भी उनके सिविल वॉर हुए, कोरिया युद्ध हुआ, तो उसमें पार्टिसिपेट भी किया था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया, वो सैनिक भी रह चुके थे, जिसके कारण से उनके पास जो विचार था युद्ध को लेकर वो थोड़ा अलग था बाकी से। ठीक है, उन्होंने अर्थशास्त्र में अपना पीएचडी भी किया अपने युद्ध में, एक मतलब युद्ध के करियर के बाद, अपने सैनिक करियर के बाद उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी भी किया, मतलब इकोनॉमिक्स भी रहे। ठीक है, अर्थशास्त्री बने। इसके बाद वो कॉन्सेप्ट लेकर आए कि नव यथार्थवाद की जरूरत है। नव यथार्थवाद क्या दिखाता है कि वहां पे नए पावर को दिखाता है कि समय के साथ साथ पावर बदलता है। आज अमेरिका पावरफुल है, कल इंडिया भी हो सकता है। ठीक है, सभी लोग मानते हैं कि इंडिया भी पावरफुल हो सकता है, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे नव यथार्थवाद की बात करते हैं कि नव यथार्थवाद क्या है कि नए पावर को जन्म देता है, नए पावर के बारे में बताता है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या बोला? जो जो यथार्थवाद था वहां पे ह्यूमन नेचर को मैटर करता है, पर नव यथार्थवाद क्या कहता है, वहां पे पावर को इम्पोर्टेंट देता है। ह्यूमन नेचर कहता है कि ह्यूमन नेचर की जरूरत नहीं है, नव यथार्थवाद कहता है कि किसी को भी ह्यूमन नेचर की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा पावर को समझो। अगर आप पावर के सोर्स को समझते हो, इफ यू गेट द मेन सोर्स ऑफ पावर, पावर यार प्लीज म्यूट कर लो अपना अपना जो भी है, आपका फोन है म्यूट करो, जिससे आपको ना सुनने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ठीक है, अगर म्यूट नहीं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपको सुनने में दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत होगा, और एक बार अगर पॉइंट छूट गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको दोबारा से समझने में, रियली। ठीक है, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? हाँ जी सर। देखो तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कैथन वोल्ट्स का, तो कैथन वोल्ट्स कहते हैं भाई की अब आवाज नहीं आएगी, मैंने म्यूट किया इस बार, अब आवाज नहीं आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वापस से। तो कैथन वोल्ट्स कहते हैं यहाँ पर
कि कैथन वोल्ट का कहना होता है कि यार अगर आप पावर के सोर्स को समझते हो तो ह्यूमन नेचर को स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर जबकि यथार्थवाद में हंस मोगनथाउ कहते हैं कि ह्यूमन नेचर इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे कहा जाता है कि मेन पावर का जो सोर्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के मुकाबले में, किसी भी चीजों के लेकर। अगर आप अगर पावर के सोर्स को समझ गए कि हाँ भाई पावर का सोर्स ऐसे, हमें पावर ऐसे मिलता है, तो आपको ह्यूमन नेचर स्टडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर इंटरनेशनल रिलेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज भारत के पास पावर है तब चीन झुक रहा है हमारे सामने, नेपाल झुक रहा है और बाकी कंट्रीज हमारे सामने बोल नहीं पा रहे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पावर है। पावर कई तरीके से मिलता है, चाहे आप बैकग्राउंड सपोर्ट की बात करो, चाहे किसी और तरीके से बात करो, ठीक है। अब हमारी सेना है वो जो बहुत बड़ी है, इससे ये भी एक पावर का सोर्स दिखाता है कि भाई हमारी सेना है, ये पावर हो गया, ये फिजिकली पावर। बट अगर बैकग्राउंड सपोर्ट की बात करो तो हमें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इसराइल सपोर्ट कर रहा है और बड़ी दूसरी कंट्रियां सपोर्ट कर रही है, ये हमारे पावर के सोर्स हो जाते हैं, मेन सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर आपके पावर के सोर्स को समझ लिया कि पावर का सोर्स क्या है, पावर हमें मिल कैसे रहा है, ठीक है, हम पावर कैसे मिल सकता है, हमें कैसे पा सकते हैं, तो आप सब कुछ समझ सकते हो, सब कुछ इंटरनेशनल रिलेशनशिप में सब कुछ कर सकते हो, यहाँ पे ये कहा जाता है, ठीक है। कैथन वोल्ट्स की अगर बात करोगे दोस्तों, तो कैथन वोल्ट्स की नव यथार्थवाद की विचारधारा क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में, यहाँ पे नव यथार्थवाद को संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। नव यथार्थवाद को संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये बनकर आ जाए कि संरचनात्मक यथार्थवाद क्या है, तो भी आप नव यथार्थवाद को ही बताओ, ठीक है। और वहां पे यथार्थवाद में अगर ये पूछा जाए कि सशस्त्रीय यथार्थवाद क्या है, तो भी आप यथार्थवाद को ही बताओगे, ठीक है, समझ में आता है। अभी भी बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, मजा आने वाला है, आई होप सो। 15 से ज्यादा हो चुके हैं लोग, ठीक है, बहुत मजा आएगा अगर सही से सारे ध्यान से सुने तो चीजों को, और बीच में अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछे तो, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आता है कि यथार्थवाद क्या कह रहा है नव यथार्थवाद। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ नव यथार्थवाद की विचारधारा को जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है और वहां पे पावर का एक ही सोर्स उभर कर आता है सामने, जो होता है अमेरिका। तो उसके बाद लोगों को लगता है कि जब अमेरिका आ गया तो वहां पे युद्ध जैसी स्थिति बननी ही नहीं है कभी, तो युद्ध होगा ही नहीं, तो यहाँ पे यथार्थवाद को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। यथार्थवाद जब खत्म होता है, जब वहां पे चीन और अलग अलग कंट्री जब उभर कर आते हैं, चीन जापान जो अमेरिका को चैलेंज कर रही होती है, अदर कंट्री चैलेंज कर रही होती है, ठीक है, तो उसके कारण से क्या होता है कि अमेरिका को समझ में आता है और वहां पे नव यथार्थवाद की विचारधारा आती है, जो अपग्रेडेड वर्जन है यथार्थवाद, ठीक है। जैसे फोन में आता है ना अपग्रेडेड वर्जन, पुराना वर्जन में कुछ कमी रह जाती है तो उसके कारण नए वर्जन लेकर आते हैं, तो सेम यहाँ पे नव यथार्थवाद अपग्रेडेड वर्जन है यथार्थवाद का, जिसके अंदर में उस शक्ति संतुलन के बारे में बात नहीं करता, जबकि पावर के मेन सोर्स के बारे में बात करता है। यथार्थवाद शक्ति के संतुलन के बारे में बात करता है कि सारी कंट्री के अंदर में बीच में इक्वल संतुलन होना चाहिए, पावर इक्वल डिवाइड होना चाहिए, पर यहाँ पे ये इसके बारे में बात नहीं करता। यहाँ पे नव यथार्थवाद में कहता है कि जिसके पास जितना ज्यादा पावर होगा वो जितना उतना ज्यादा दूसरे कंट्रीज पे कंट्रोल करेगा, ठीक है। नव यथार्थवाद को यहाँ पे विकसित रूप माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली ये दुनिया को बताता है कि किस तरह से शक्ति संतुलन है, ठीक है, इसके बारे में बात करता है, ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। नव यथार्थवाद को आप यहाँ पे रक्षात्मक यथार्थवाद और आक्रमक यथार्थवाद के रूप में दिखा सकते हो। रक्षात्मक, ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है बोलने में मेरे लिए बहुत ज्यादा, रियली। रक्षात्मक, रक्षात्मक मतलब जो रक्षा के बारे में सोचे। देखो अगर आपके पास पावर है तो आप मिसगाइड होकर किसी के ऊपर अटैक भी कर सकते हो। जैसे क्या होता है आज के समय में अमेरिका अक्सर क्या करता है, दूसरे कंट्रीज को धमकी देता है कि मैं उसे मार दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है, मतलब उसके ऊपर हमला कर दूंगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसके पास पावर का जो सोर्स है वो बहुत ज्यादा है, पावर उसके पास बहुत ज्यादा है, तो कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे रक्षात्मक तौर पे नहीं होता, ये आक्रमक नीति हो जाती है, जहाँ पे आक्रमक हम किसी के ऊपर हमला करने की बात करते हैं। बट अगर मान लो आपके पास पावर का सोर्स ज्यादा है, ठीक है, आप वहां पे आप बात करते हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम उसकी रक्षा करेंगे, ठीक है, हम बचाएंगे, ठीक है, तो वो रक्षात्मक हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल हम ये लेके चल सकते हैं कि जब बांग्लादेश का इशू था, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का इशू था, जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया, तो वहां पे भारत ने रक्षात्मक नीति करी, जिसके कारण से वहां पे बांग्लादेश को बचाने की नीति, ठीक है, और भारत पाकिस्तान से खुद ही मतलब मेन फ्रंट पे जाके लड़ने लगा, ठीक है, तो यहाँ पे रक्षात्मक नीति आ जाती है, जो नव यथार्थवाद का ही एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है, समझ में आता है ये। और अभी भी बहुत सारी कंट्रियां जो है नव यथार्थवाद को ही फॉलो करती हैं, नव यथार्थवाद को ही मानती हैं, ठीक है। और नव यथार्थवाद की अगर बात करोगे तो यहाँ पे बात करते हैं अराजकता के बारे में, ठीक है, और क्रम परंपरा के बारे में, जो मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको समझाया था अराजकता क्या होता है और क्रम परंपरा क्या होती है। अराजकता का मतलब होता है कि जैसे किसी के पास पावर बहुत ज्यादा हो जाना,
ठीक है, और पावर ज्यादा होने के कारण क्या है कि उसने मतलब उसका मिसयूज करना ये अराजकता कहलाती है। अगर मेरे पास पावर ज्यादा है तो मैं किसी भी तरह से मिसयूज करूंगा ही करूंगा उसका, ठीक है, तो ये अराजकता कहलाता है। ठीक है, कोई मुझे दोस्तों ये मुझे बताएगा क्या कैथिन वोल्स के यथार्थवाद की जो विचारधारा आप पढ़ते हो, ठीक है, पूरा आपने पढ़ा स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो कैथिन वोल्स की विचारधारा किस कंट्री के लिए स्पेशली डेडिकेट की गई थी, किसके लिए मतलब मानी गई, आपने पूरा बुक में पढ़ा होगा, तो किसके लिए की गई थी, किस कारण से बनाने की जरूरत पड़ी, मैंने भी बताया भी यथार्थवाद की विचारधारा को लाने की जरूरत क्या क्यों पड़ी, मुझे कोई बताएगा क्या। अभी मैंने जस्ट 2-3 मिनट पहले ही बताया कि यथार्थवाद की हमें जनरल यथार्थवाद की जरूरत क्यों पड़ी, कैथन वोल्ट की विचारधारा की जरूरत क्यों पड़ी, कोई रीजन मुझे बताएगा क्या, कोई भी प्लीज जस्ट ट्राई वंस, एक बार ट्राई करो अपने आप से क्या कर सकते हो आप, कैसे बता सकते हो, एक बार ट्राई करो। नव यथार्थवाद की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास यथार्थवाद की विचारधारा थी तो नव यथार्थवाद की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने अभी बताया, नहीं पता है तो बताइए फिर मैं आगे बढ़ू, या पता है तो मुझे वो बताइए फिर उसके हिसाब से देखा जाए। दोस्तों सुनाई दे रही है मेरी आवाज, आ रही है क्या सभी को? यस सर। मुझे प्लीज एक बार ये बताइए कि नव यथार्थवाद की विचारधारा की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अभी मैंने बताया था पीछे, तो आप मुझे एक बार रिपीट कीजिए, मेरे वर्ड्स को रिपीट कीजिए, ठीक है, नव यथार्थवाद की विचारधारा की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्योंकि ये यथार्थवाद का ही अपग्रेडेड वर्जन है, यथार्थवाद के बाद ही नव यथार्थवाद आया, तो ऐसा क्या कारण था कि नव यथार्थवाद की जरूरत पड़ी, ये मुझे बताओ, किसी को कोई आइडिया? अभी मैंने जस्ट बताया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, पूछने का मेन रीजन ये ही है कि मैंने जस्ट अभी बताया कि नव यथार्थवाद की जरूरत क्यों पड़ी। हेलो, यस यस, हेलो, यस ब्रदर, आपका आवाज आ रहा है, आप मुझे बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज, आप बताइए। सर यथार्थवाद में कमी रह गई थी इस कारण भी। ये कह सकते हैं, बिल्कुल सही, और कोई है क्या, किसी के पास और कोई सोच, मैंने भी क्योंकि बहुत ज्यादा 5 से 7 मिनट बोला इसके ऊपर, इस कारण से मैंने पूछा आपसे, कोई मेन रीजन नहीं है, इस कारण से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि 5-7 मिनट मैंने पहले बोला है, पूरा ही बताया है। एक बार ट्राई कीजिए यार, एटलीस्ट ट्राई कीजिए, जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे अगर नहीं बोल पा रहे हो तो एग्जाम में कैसे लिखोगे, सोचिए आप खुद, ठीक है, और ये क्वेश्चन कंफर्म है कि आ सकता है नव यथार्थवाद वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और आज के समय में क्योंकि नव यथार्थवाद की जो विचारधारा है 1960 के बाद देखी जाती है, ठीक है, जब चीन का मतलब चीन एक बड़ी पावर के रूप में उभरना शुरू होता है 1960 के बाद, ठीक है, तो उसके बाद से नव यथार्थवाद की विचारधारा आती है, और नव यथार्थवाद की विचारधारा पे भारत भी कहीं ना कहीं फॉलो करता है, ठीक है, कई जगह पे, तो नव यथार्थवाद की विचारधारा की जरूरत क्यों पड़ी, अभी भाई ने बताया कि यथार्थवाद में कमी थी इस कारण से, और बताओ कोई पॉइंट्स है और किसी के पास? देखो सिंपल से समझो कोई चीज को, आपको आसानी से आंसर मिल सकता है, आपके फोन में एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, आप एप्लीकेशन का अक्सर देखते हो कि उसका नया वर्जन आता है, ठीक है, आप नए वर्जन को इंस्टॉल करते हो, अपडेट करते हो, तो आप अपडेट क्यों करते हो, जिससे कुछ चीज नए फीचर्स आ सके, नए फीचर्स के लिए अपडेट करते हो ना, अगर मान लो आपका फोन है, आपका फोन मान लो 7 एंड्रॉइड वर्जन का है, आपने अब अपडेट किया, अब आपका 10 अपडेट वर्जन आ गया, ठीक है, 10 अपडेट वर्जन आ गया, 10 एंड्रॉइड वर्जन आ गया, तो वहां पे कुछ चीज नए ऐड हुए होंगे जिसके कारण से अपडेट वर्जन है ये, ठीक है, जब हम किसी चीज के अंदर में कोई कमियां उसको दूर करके कुछ नया चीज ला रहे हैं उसके अंदर में, उसको रिमूव कर रहे हैं, उसको रिफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके कारण से यहाँ पे जरूरत पड़ती है, और यथार्थवाद के टाइम पे जब यथार्थवाद की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि युद्ध ना हो, फिर भी युद्ध हुआ तो लोगों को लगा कि यार ये युद्ध हो रहा है तो ये तो बेकार है, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, तो उसके कारण से वहां पे नव यथार्थवाद को लेकर आए कि नव यथार्थवाद में युद्ध तो एटलीस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो नव यथार्थवाद की विचारधारा 2 कॉन्सेप्ट में बटी हुई है, रक्षात्मक और आक्रामक। आक्रमक वाले में क्या होता है कि वहां पे वो आक्रमण की नीति के बारे में बात करता है कि अगर हम किसी कंट्री पे अटैक करते हैं, अटैकिंग नेचर होता है, तो वहां पे हम अपने पावर्स के सोर्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हमारा पावर का सोर्स इंपॉर्टेंट है, और रक्षात्मक वाले में हम बात करते हैं कि अगर हम अपने पावर के सोर्स को रक्षा के लिए यूज करें तो वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप अपने बुक के अकॉर्डिंग चलोगे, ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया, बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो बुक में आपके अराजकता और कर्म परंपरा के बारे में बात करता है, अराजकता मतलब होता है कि अगर आपके पास पावर ज्यादा है तो आप अराजकता की ओर बढ़ोगे,
ठीक है, किसी के पास भी अगर पावर है तो नॉर्मली अगर आप अपने क्लास के मॉनिटर की बात करो तो अगर उसके पास पावर दे दी जाए बहुत ज्यादा कि वो अपने हिसाब से किसी भी बच्चे का नाम काट सकता है, तो आप मान के चलो वो अपने जितने भी उसके दोस्त है उनका नाम छोड़ के सबका नाम काट देगा वो, ठीक है। रीजन क्या है कि वो उसके पास पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे अराजकता फैलती है, मतलब कानूनों का ना मानना अराजकता कहलाता है, ठीक है, जो आपका रूल रेगुलेशन है उसको ना फॉलो करना अराजकता कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नव यथार्थवाद कहता है कि अगर आपके पास पावर ज्यादा है तो और इसके कारण से क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अराजकता बढ़ेगी, ठीक है। और क्रम परंपरा जो रूल रेगुलेशन है, जो क्रम है कि पहले ऐसा होना चाहिए फिर ऐसा होना चाहिए फिर ऐसा होना चाहिए, जो क्रम परंपरा है वो टूटता है, वो नहीं रहता, ठीक है। अब जैसे क्या है क्रम परंपरा, क्या कि आप पहले पहली पहली में एडमिशन लोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से जाओगे। अगर आप रूल रेगुलेशन को नहीं मान रहे हो, आपके पास पावर ज्यादा है, तो आप उसको चीज को फॉलो क्यों करोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके बीए में हो, ठीक है, अगर आपके पास पावर ये दे दी जाए कि आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने सर्टिफिकेट बना सकते हो, ठीक है, अगर मान लो सबके पास ये पावर हो कि अपने घर पे बैठे बैठे सर्टिफिकेट बना सकते हो, तो कोई बच्चा क्या लगता है आपको कि वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा, फिर एग्जाम देगा, इतना बड़ा टेंशन लेगा एग्जाम का, प्रिपेयर करेगा, फिर पास होगा, रिजल्ट का वेट करेगा, फिर सर्टिफिकेट लेगा? वो बोलेगा यार मेरे पास पावर है, मैं अपने पावर का यूज करके डायरेक्ट सर्टिफिकेट क्यों ना आप घर पे बना लू, ठीक है। तो यहाँ पे अराजकता फैलती है, क्योंकि अराजकता में हम कानूनों को तोड़ते हैं और कर्म परंपरा जो रूल रेगुलेशन है उसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, जो पहले से चला आ रहा है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए उसको हम नहीं मानते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ये कहा जाता है। और ये नव यथार्थवाद की परंपरा को सपोर्ट करते हैं थॉमस हॉब्स भी कहते हैं, ठीक है, वहां पे थॉमस हॉब्स ने भी इसको सपोर्ट किया है, प्राकृतिक नेचर से वो उसको रिलेट करते हैं कि ये नव यथार्थवाद की परंपरा जो है प्राकृतिक नेचर के साथ भी रिलेट करती है, ये बताते हैं वो, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाला? नहीं आ रहा? अगर दोस्तों आ रहा है आपको तो मुझे बताओ, नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, जिसके कारण से मैं कुछ अलग तरीका ट्राई कर सकूं, या फिर इसको नेक्स्ट क्लास में बता सकूं आपको, या फिर कुछ और इसके लिए सोच सकूं, प्लीज एक बार फटाफट मुझे बता दो यार, जल्दी जल्दी। अगर आ रहा है तो मुझे बताओ, नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ फटाफट। यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। हाँ ओके, थोड़ा बहुत आ रहा है ना, बस बहुत है, इतना थोड़ा बहुत बहुत है आपके लिए, ठीक है। मेन चीज इसमें बस आपको ये समझना है कि यथार्थवाद का, नव यथार्थवाद का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आप समझ जाओगे। यथार्थवाद आप समझ चुके हो ना सही से? जी सर, हाँ, तो यथार्थवाद अगर समझते हो तो नव यथार्थवाद में बस थोड़ा सा यही है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए कि कैसे कैसे क्या चीज है। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग अब चलते हैं तो बुक के अकॉर्डिंग में यहाँ पे करता है क्षमताओं का वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ठीक है, कैपेसिटी, आपकी कितनी कैपेसिटी है किसी चीज के लेकर उसके बारे में बात करते हैं वहां पर, उसको सही से डिवाइड करना लोगों के बीच में, ठीक है। अगर मान लो मेरी पावर है कि मैं इतने लोगों को संभाल सकता हूँ, मैं इतने लोगों को पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी पावर है, ठीक है, तो उसके अनुसार अगर किसी चीज को बांटा जाए तो वो सही से वर्क करेगा, वो सही फॉर्म में रहेगा, वो पावर का सही यूज होगा वहां पे, ये भी ये नव यथार्थवाद में कहा जाता है, ठीक है। वो मतलब सभी लोगों का एक जैसी दृष्टि नहीं होती, सभी लोग एक जैसे नहीं है, यहाँ पे ये भी कहता है, मतलब लोगों को यहाँ पे बात नहीं कर रहा, वहां पे स्टेट्स कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि सारी कंट्री के अंदर में सभी के एक जैसे नहीं है, सभी का मेंटेलिटी अलग है, सभी के विचार अलग है, सभी का जो पॉलिटिकल व्यू है, एनालाइज है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में वो बताते हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आभास हो रहा है दोस्तों कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस वाली क्लास के अंदर में, रियली इट्स गोइंग बोरिंग, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा है तो प्लीज मुझे क्लियर करें, ठीक है, जिसके बाद मैं आपको सही से कुछ चीजें उपाय बता सकूं कि क्या कर सकते हैं, ठीक नो है। सर, ऐसा कुछ नहीं। यार वेर इज योर एनर्जी, यार वे किधर, आपकी एनर्जी कहाँ है, आप सबकी एनर्जी कहाँ है, आप सब अपनी एनर्जी नहीं दिखा रहे बिल्कुल भी, एकदम डल हो ऐसा लग रहा है भी, बिल्कुल गर्मी, पता है गर्मी मुझे लग रही है, बट आप सब का इम्पैक्ट आप सबके ऊपर दिख रहा है, रियली। नो सर, मैंने तो आपकी सारी बातें सुनी है अभी। ओके, तो थैंक यू स्टार्टिंग में सो मैंने मच, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मैंने आपके क्वेश्चन नहीं का जवाब नहीं। कोई नहीं कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं कुछ चीजें और बताता हूँ, ये नव यथार्थवाद का तो नॉर्मली यही है, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट टाइम इसको आपको ना ग्रुप में भी अच्छे से समझा सकूँ नव यथार्थवाद को, ठीक है, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा और आप कर पाओगे अच्छे से नव यथार्थवाद को, ठीक है। अगला विचारधारा आता है निर्भरता सिद्धांत का, जो इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, निर्भरता सिद्धांत आंद्रे गटर फ्रेंक के बारे में, ठीक है। इसके अंदर में हम बात करते हैं कि निर्भरता, हम किसी मतलब हर एक कंट्री का किसी ना किसी कंट्री पे निर्भर है, ठीक है। निर्भरता विचारधारा डिपेंडेंसी थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी मतलब आज हम कहीं ना कहीं किसी चीज के ऊपर निर्भर है। आप अभी जैसे आप अपने एग्जाम के लिए,
ठीक है, आप अपने एग्जाम के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स पे निर्भर हो, ठीक है। हाँ जरूर, मैं पीडीएफ जरूर दे दूंगा, डोंट वरी। दोनों को मैं सबका, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबका पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अभी लेक्चर को बस सुन लीजिए, जिससे आपको कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिससे पीडीएफ से ज्यादा आसानी सुनने में रहेगा। अगर आप अभी सुन लेते हो तो पीडीएफ से आप कनेक्ट कर पाओगे और इजिली समझ पाओगे कि अच्छा ये भी बोला था तो यहाँ से ऐसे है, ठीक है, ये समझ पाओगे। अब देखते हैं, आपकी बातों को नोट कर लिया है। बहुत अच्छी बात है, पीडीएफ बनाने की जरूरत है। देखो निर्भरता सिद्धांत, आंड्रे गटर फ्रैंक का यहाँ पे बात करते हैं कि हर कंट्री कहीं ना कहीं किसी अदर कंट्री पे डिपेंड है, ठीक है। हर जो भी कंट्रीज है हमारे आसपास में, वो कहीं ना कहीं किसी पे निर्भर है। जैसे कि अभी हम क्या, भारत भी कहीं ना कहीं चीन पर निर्भर है। जैसे कि अभी हम बायकॉट चीन के बारे में बात तो कर रहे हैं, पर वहां पे निर्भर है। तो जो भी ये निर्भरता सिद्धांत के बारे में ये सीधा कहते हैं कि जो गरीब है, जो मतलब मेन है, जो गरीब है, ठीक है, जो निम्न वर्ग है, वो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। बाकी सभी दूसरे एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, पर जो गरीब है कंट्री है उनके बारे में कोई बात नहीं करता, ठीक है, तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। जो आंड्रे गटर फ्रैंक है, ये भी जर्मनी के अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जर्मनी के रहने वाले थे। जब वहां पे हिटलर चांसलर बनते हैं, हिटलर वहां पे जब आता है, हिटलर के आगमन के बाद, हिटलर के आने के बाद ये भागकर अमेरिका आ जाते हैं। मतलब वहां पे अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं और अमेरिका में ही पढ़ते लिखते हैं, अमेरिका में ही रहते हैं, ठीक है। अमेरिकी शास्त्री के तौर पर जाने जाते हैं, जर्मन शास्त्री अर्थशास्त्री होते हैं, अमेरिका में आके रहते हैं, ठीक है। और ये इन्होंने जो मतलब दोस्तों, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं, ये भी वीडियो आपकी एंड होने वाली है 10 मिनट के अंदर में, ठीक है। तो फटाफट मैं इसको समझाता हूँ, जिससे टाइम खत्म होने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सारी चीजें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आंड्रे गटर फ्रैंक है, ये सिंपली कहते हैं कि यहाँ पे गरीबों के सिद्धांतों के बारे में कोई बात नहीं करता। इवन मार्क्सवाद के बारे में बात करते हैं कि मार्क्सवाद की जो विचारधारा है वो गरीबों को लेकर होती है, ठीक है। अलग अलग तरह की चीजें दिखाते हैं इसमें, और भी कई सारे विचारकों के बारे में बात करते हैं जो आंड्रे गटर फ्रैंक के विचारधारा को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। कि आंड्रे गटर फ्रैंक की जो विचारधारा है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है सभी कंट्रीज के लिए। क्योंकि हर कंट्री में दो तबके के लोग होते हैं, एक बहुत ज्यादा अमीर, एक दूसरा गरीब, ठीक है। बहुत ज्यादा अमीर दिन पे दिन अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो नीचे और नीचे होता जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि जब अगर आप पावर के बारे में सोचते हो, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सोचते हो, तो हम नॉर्मली किन के बारे में जाते हैं, अमीरों के लिए लेके जाते हैं। पर आप ना पावर को लेकर गरीब के बारे में सोचते हो, ना ह्यूमन बिहेवियर को लेकर हम गरीब के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे बात की जाती है कि गरीबों के लिए वर्क करना, ठीक है, जो निम्न वर्ग है उनके लिए वर्क करना, ठीक है, ये यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। आंड्रे गटर फ्रैंक का सिद्धांत यहाँ पे निर्भरता जो सिद्धांत है, वो संसाधनों को बात करता है कि जब जो गरीब देश है, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, आंड्रे गटर फ्रैंक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल इनका ये रहता है कि जो गरीब देश है उनके यहाँ पे, समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, जो गरीब कंट्रीज है, जितने भी गरीब कंट्रीज है, मान लो इंडिया गरीब है, तो अब जो अमीर कंट्री है क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे आती है, ठीक है। इंडिया गरीब है तो अमीर कंट्री हमारे यहाँ पे आती है, वो पैसे लगाती है, और हमारे जो रिसोर्स है, पावर है, ठीक है, वो हमें हमारे से लेके चली जाती है, ठीक है, कम पैसे में लेके चली जाती है। फिर वो रिसोर्स का सही तरीके से यूज कर फिर वापस वही रिसोर्स को हमारे यहाँ पे लेकर आती है और हमें ज्यादा कीमतों पे बेचती है, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल अगर लेके चलोगे दोस्तों, तो जब हम गुलाम बने हुए थे, ब्रिटेन के गुलाम थे, तो वहां पे क्या हुआ, ब्रिटेन ने हमारे रिसोर्स को हमसे खरीदा, ठीक है, हमसे सस्ते कीमतों पे खरीदा, और खरीद कर क्या किया, ब्रिटेन ले गया। ब्रिटेन तो उन्होंने अपनी मशीनों में बनाया, बनाकर उसको फिर अच्छे तरह से मॉडिफाई करके इंडिया में वापस लेकर आया, और इंडिया में लेकर आने के बाद ऊंची कीमतों पे बेचा। तो यहाँ पे दिखाता है, परिधि की बात करता है कि हमेशा जो निर्भर, मतलब डिपेंडेंसी थ्योरी में क्या होता है कि अगर हम किसी पे निर्भर है, अगर आज हम चीन पर निर्भर है, तो चीन क्या करता है कि यहाँ पर सस्ते चीजें लेकर आ रहा है, अपनी चीजें लेकर आ रहा है, और हमारे से पैसा लेकर जा रहा है, हमारे रिसोर्स उसको लेकर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, हमारे सस्ते लेबर को यूज करती है, ठीक है, और हमारे सस्ते लेबर्स को यूज करके वो अपने प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करती है और हमारे पैसे, हमारे रिसोर्स का बेनिफिट लेती है। आप दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल ले लो, तो दिल्ली मेट्रो के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि 10 साल के लिए एक मतलब लीज पे तौर पे हमने मेट्रो बनवाया, ठीक है, जापान की जो कंपनी थी, लीज के तौर पे बनाई गई कि जो भी मेट्रो से प्रॉफिट होगा वो कुछ परसेंट का जो हिस्सा रहेगा वो 10 सालों के लिए दूसरी कंपनियों को, जब जो कंपनी ने बनाया उसका रहेगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। तो वो हमारे पैसे से हमारे यहाँ पे आके बना रहे थे सब कुछ, हमारे पैसे से हमारे यहाँ पे आकर बनाया, हमारे पैसे का यूज कर रहे हैं, हमारी जमीन का यूज किया, सब कुछ किया, और जो उसका बेनिफिट है वो अपनी कंट्री में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी में ये कहते हैं कि हमेशा मतलब ना, जो धनी देश है वो केंद्र से निकालकर सामान को परिधि की ओर ले जाता है। केंद्र मतलब यहाँ पे निर्भर देशों की बात करता है। आप दो सर्कल मान के चलो कि दो सर्कल है, जैसे मान लो दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है,
तो दो सर्कल में जो मेन सर्कल होगा बीच वाला जो अंदर वाला सर्कल है वो हो गया आपका गरीब देश, और जो बाहर वाला सर्कल है वो हो गया अमीर देश। ठीक है, तो हमेशा क्या करता है अमीर देश जो होते हैं अंदर आते हैं गरीब देशों के पास और वहां से सामान लेकर जो रिसोर्स संसाधन लेकर बाहर की ओर जाते हैं। तो उससे हमेशा बेनिफिट किसका होगा, बाहर वाले देशों का बेनिफिट होगा, ना कि अंदर वाले देशों का बेनिफिट होगा, यहाँ पर उसको नुकसान होगा। इसके बारे में बात करते हैं, धनी देश और धनी होंगे, गरीब जो देश है निर्धन देश है और निर्धन होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, निर्भरता सिद्धांत का जो स्तर होता है विकसित देशों के मतलब बारे में बात करता है, विकसित देशों की बताता है कि जो विकसित देश हैं वो और विकसित हो रहे हैं, विश्व स्तर पर उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो विस्तार होती है, पर जो निर्धन देश है उस तरह की उनकी चीजें नहीं होती, मेंटेलिटी नहीं बनती उनकी, वो चीजें नहीं हो पाती है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है दोस्तों मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसके कारण से आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, क्योंकि निर्भरता सिद्धांत थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और टाइम हमारा खत्म होने वाला है, 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो आपको ग्रुप में मैं इसको शेयर करूंगा जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, एक मुझे छोटा सा रिव्यू दे दो कि जो मैंने अभी पढ़ाया कर से कम 80 मिनट की वीडियोस रही है टोटल, तो 180 मिनट में आपको क्या समझ में आया है और क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी इसमें वीडियो के अंदर में। ठीक है, रिव्यू दे दो छोटा सा प्लीज, माइक अपना ऑन करें सारे बच्चे, और एक बार मुझे रिव्यू दे दो जिससे मैं नेक्स्ट क्लास के लिए डिसाइड कर सकूं कि नेक्स्ट क्लास मुझे कब लेना है और क्यों लेना है कैसे लेना है। ठीक है, ये मुझे एक रिव्यू दे दो छोटा सा प्लीज। आप सभी माइक ऑन कर सकते हो, अपना माइक म्यूट से अनम्यूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। ठीक है, 2 मिनट में आपकी वीडियो एंड होने वाली है, तो प्लीज एक रिव्यू दे दे फटाफट जिसके बाद मैं आगे बढ़ सकूं। सर मुझे समझ आ गया, लेकिन ये जो अभी आपने सिखाया समझाया ना निर्भरता वाला, ये समझ आया। ओके, ये थोड़ा बहुत आया, मतलब पूरा नहीं आया। देखो मैं एक बार वापस से, मेरे पास अभी 2 मिनट के करीब में बचे हुए हैं, 2.5 मिनट, तो एक बार मैं वापस आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूँ। निर्भरता सिद्धांत जो आंडे गुटर फ्रेंक का विचारधारा है, इसके अंदर में सिंपली कहते हैं वो कि जो ये चीजें हैं निर्भरता सिद्धांत है, वो यहाँ पर बात करता है कि जो गरीब देश है और गरीब हो रहा है, अमीर देश है और अमीर हो रहा है। कि रीजन क्या है, क्योंकि जो गरीब देश है वो क्या हो रहा है कि गरीब देश ना, गरीब होने का रीजन, मेन रीजन क्या है कि वो अपने रिसोर्स को दूसरों को दे रहा है। ठीक है, अब जो दूसरी कंपनी, अगर जो दूसरी कंपनी है, अगर हमारे भारत में कोई दूसरे देश की कंपनी आ रही है भारत के अंदर में, वो कंपनी लगाई तो हमारे रिसोर्स का यूज करेगी, हमारे चीजों से बनाकर वो महंगे कीमतों पर अगर हमारे सामान को बेचेगी तो हमारे रिसोर्स का मिसयूज हुआ, हम अपने फायदा ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पे निर्भरता सिद्धांत की बात करता है कि मतलब हर एक कंट्री दूसरे पे निर्भर है और उसका वो मिसयूज होता है, मतलब गरीब और गरीब होता है और अमीर होता है। अच्छा, पता है कि आपको चीन कभी भी अमेरिका जैसे मतलब जो बड़ी विकसित कंट्री है वहां पर उन्होंने अपना उतना व्यापार नहीं फैला रखा जितना इंडिया के अंदर में फैला हुआ है। ठीक है, अमेरिका का जो ज्यादातर व्यापार है, ठीक है, वो छोटे गरीब देशों में फैला हुआ है। ठीक है, भारत भी जो अपना व्यापार फैलाना चाहता है वो गरीब देशों में फैलाना चाहता है। ठीक है, अमीर देशों तक हम पहुंच नहीं पाते क्योंकि वहां तक हमारी वो नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि हम नॉर्मली चाहते हैं गरीबों को और गरीब करना, गरीबों से लूटना आसान होता है, अमीरों से लूटना आसान नहीं होता है। आप अगर अमीरों से मिलोगे तो इतने कंजूस होंगे आपको 1 रुपए नहीं दे सकते, पर अगर आप गरीबों से मिलोगे तो थोड़े उनसे लेना आसान होता है। ठीक है, एक तरह से ये मान के चलो, ये सिंपल से एग्जाम्पल के तौर पर यही समझ सकते हो आप अभी। ठीक है, 1 मिनट बचा हुआ है, फटाफट एक रिव्यू दे दो, फटाफट 1 मिनट बचा हुआ प्लीज। ऑडली मुझे ऑडियो रिव्यू चाहिए, ऑडियो रिव्यू, तो प्लीज बोल कर दे, अपना माइक अनम्यूट करके प्लीज फटाफट। क्या बताना है? क्लास कैसी थी? सब कुछ क्लियर हो गया। क्लास सब कुछ क्लियर हो गया, मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, नो डाउट। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। आपको बस इतना बताना है कि क्लास क्या कैसी थी, ठीक है, और क्या कौन सी पार्ट अच्छा लगा आपको, ठीक है, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास के बारे में डिसाइड कर सकूं, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास के बारे में डिसाइड कर सकूं कि कब क्लास लेनी है और क्या सब्जेक्ट होगा नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, तो फटाफट एक बार प्लीज यार। मुझे भी मुझे जो बात है वो ह्यूमन नेचर को जो है वो इम्पोर्टेंस देता है, और जो नव यथार्थवाद है वो पावर को शो करता है, और इसके जो 6 प्रिंसिपल है वो मैं समझ पाई, और यथार्थवाद की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यथार्थवाद की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि युद्ध ना हो, और आज के समय में ज्यादातर जो लोग हैं लेकिन वो नव यथार्थवाद को फॉलो करते हैं, जैसा कि आपने एग्जांपल दिया फीचर का, अगर जिसके पास ज्यादा फीचर होते हैं हम वो चीज पसंद करते हैं। तो इस तरीके से मैं ये दोनों टॉपिक समझ पाई और इनके बीच के डिफरेंस समझ पाई। थैंक यू सो मच प्रिया। और कोई है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा प्लीज, इफ एनीवन वांट्स टू से यू कैन स्पीक। और
और मैं ये कहूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब कम डेज हैं, तो प्लीज वैश्वीकरण से जो चौथे लेसन से करा दो कुछ टॉपिक्स, क्योंकि ये तीन चैप्टर हम कई हद तक पहले भी रिवाइज कर चुके हैं. मैं खुद यही सोच रहा हूँ दोस्तों कि जो अगर ले सके तो ग्लोबलाइजेशन की लगा दीजिए सर. ओके मैं ट्राई जरूर करूंगा. पहले यार ये ही खत्म करवा दो पॉलिटिकल, एक क्लास और होगी उसमें तीन से चार चैप्टर हो जाएंगे. देखो मैं खुद सोच रहा हूँ कि जैसे ना आपका जो आपका एग्जाम से एक वीक पहले मैं रेगुलर क्लास ले लूंगा, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल की, एक घंटे की मॉर्निंग में, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग में आपकी क्लास हो जाएगी हिस्ट्री और पॉलिटिकल की, एक एक घंटे की, एग्जाम से एक दिन, एक वीक पहले, ठीक है. पर अभी इस समय जो होगा आपका ना नेक्स्ट वीक से, मतलब नेक्स्ट वीक या फिर जो भी होगा नेक्स्ट वीक में आपका ई बुक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, जो चार पांच चैप्टर है वो सारा खत्म हो जाएगा एक बार में, ठीक है. और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करवा दूंगा, और जो मेन मेन चैप्टर है वो थोड़ा ज्यादा टाइम देकर हम खत्म कर लेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसको खत्म करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्लास इसी के बारे में रहेगी, पॉलिटिकल की रहेगी, और उसको खत्म करते हैं, फिर हिस्ट्री की ओर जाएंगे, ठीक है. ठीक है, चलिए यहाँ पे आज हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, और आप सभी को ऑल द बेस्ट, अपने घर पे प्रिपरेशन सही से कीजिए, और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ठीक है. और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे ग्रुप में जुड़ सकते हैं मुझसे, और वहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर मुझसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर मुझे देखने के लिए. बाय बाय दोस्तों.